जी नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर एंड वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ एंटीना। सब्जेक्ट कोड है EL206 एंड सब्जेक्ट नेम है वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो हम पढ़ रहे थे एंटीना, कई सारे एंटीना ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैं एक बार थोड़ा सा ध्यान दिला दूँ कि पिछले लेक्चर्स में अब तक हम सबसे पहले हमने आइसोट्रॉपिक एंटीना पढ़ा, देन एलिमेंट्री डबलेट या फिर उसे हर्जियन डाइपोल या फिर करंट एलिमेंट भी उसे बोलते थे हम। देन उसके बाद पढ़ा था शॉर्ट डाइपोल एंड उसके बाद हाफ वेव डाइपोल, देन फोल्डेड डाइपोल, देन यागी उडा एंटेना एंड देन लॉग पीरियडिक एंटेना, और उसके बाद हमने पढ़ा रोम्बिक एंटेना। नाउ वी विल रीड अबाउट लूप एंटेना। ठीक है, सो देखिए दोस्तों, लूप एंटेना एक्चुअली इट इज़ ए माइक्रोवेव एंटेना एंड इसका जो शेप होता है कैन बी लाइक ए रेक्टेंगुलर और सर्कुलर भी हो सकता है, जैसा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। 1 मिनट। तो देखिए, शेप आपका हो सकता है रेक्टेंगुलर टाइप का, हो सकता है सर्कुलर टाइप का, हो सकता है एंड दिस इज सिंगल टर्न लूप। ओके, इसमें सिंगल टर्न है एक्चुअली एंड लूप एंटीना कैन बी योर मल्टी टर्न ऑल्सो। सो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ही हो, ट्राइंगुलर हो सकते हैं, रोम्बस टाइप शेप में हो सकता है और कोई भी अनइवन शेप हो सकती है, दैट विल बी कॉल्ड ए लूप एंटीना। इसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा दैट इज इक्वलेंट टू योर एलिमेंट्री डबलेट। एलिमेंट्री डबलेट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है, डोनट पैटर्न का होता है। ठीक है, डोनट पैटर्न कैसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होता है दोस्तों, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट इसमें एक जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से है कि इसकी लेंथ पे डिपेंड करता है कि जो रेडिएशन पैटर्न होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा एक्चुअली। तो देखिए, लेंथ के आधार पे इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्मॉल लूप एंटेना एंड लार्ज लूप एंटेना। चूंकि दिस इज़ ए माइक्रोवेव एंटेना एंड माइक्रोवेव्स में यू नो दैट वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, उसके बाद भी हम इसका अगर जो लेंथ है, टोटल लूप का जो लेंथ है एक्चुअली, चाहे ये सिंगल टर्न है चाहे मल्टी टर्न है, टोटल लेंथ हम लेंगे जो वायर हमने लूप, जिसका हमने लूप बनाया है उसका लेंथ अगर λ/10 से भी छोटा है, देन योर लूप एंटेना इज कॉल्ड स्मॉल लूप एंटेना। और अगर आपके लूप एंटेना का जो लेंथ है वो लैम्डा के बराबर है लगभग, देन दैट एंटेना इज कॉल्ड लार्ज लूप एंटेना। अब इन दोनों में एक डिफरेंस है दोस्तों कि अगर आपका स्मॉल लूप एंटेना है, ठीक है, तो उसका जो रेडिएशन पैटर्न होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ लूप। जो लूप का जो प्लेन है, माना कि यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिखाया ये, माना कि ये आपका एंटीना जो है, ये एंटीना आपका स्मॉल लूप एंटीना है। ठीक है, सो स्मॉल लूप एंटीना है तो इसका जो प्लेन का लूप का जो प्लेन वो क्या है, जो ये सरफेस दिखाई दे रही है, जो जो पेपर है, दैट इज़ द प्लेन ऑफ लूप। सो इसका मैं आपसे बोलूँ, जब इसमें हम फीड करेंगे, है ना, ट्रांसमीटर से फीड करेंगे, तो इसका लूप कैसा, इसका जो रेडिएशन पैटर्न वो किस तरीके से होगा, वो दोस्तों इसी प्लेन में होगा। ठीक है, इसी प्लेन में होगा और कुछ इस तरीके से आपको रेडिएशन पैटर्न मिलेगा। समझ में आया? और अगर यही आपका लार्ज लूप एंटेना होता, ठीक है, तो क्या होता, इसका जो पैटर्न तो सेम ही होता। ठीक है, पैटर्न तो वही डोनट पैटर्न में होता, मगर ये डोनट पैटर्न एक्चुअली इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, पेपर प्लेन कहो या फिर प्लेन ऑफ लूप कहो, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होता। आप इमेजिन कर सकते हो, पेपर पे मैं 3D में बना नहीं पाऊंगा, सो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर लार्ज लूप एंटेना है तो रेडिएशन जो है कि जो सरफेस है एक्चुअली, जो लूप का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और स्मॉल लूप एंटीना है तो इसका जो रेडिएशन है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द योर लूप प्लेन। ओके, सो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है।
देखिए मैंने यहाँ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, ठीक है। सो स्मॉल लूप एंटीनाज रेडिएट्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ लूप, वाइल लार्ज लूप एंटीनाज रेडिएट्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, स्मॉल लूप एंटीनाज हैविंग लो रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड लो रेडिएशन इफिशियंसी। देखिए दोस्तों, चूंकि योर स्मॉल लूप एंटीनाज आर स्मॉल, ठीक है, एंड देयर दैट्स वाई देयर रेडिएशन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो लो। और आप जानते हो कि रेडिएशन रेजिस्टेंस इफिशियंसी के साथ में किस तरह से रिलेट करता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्चुअली फॉर्मूला क्या था दोस्तों, दैट वाज नीटा इक्वल टू आर रेडिएशन अपॉन आर डी प्लस आर रेडिएशन इनटू 100। ये पढ़ा था हमने फॉर्मूला। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग यूअर इफिशियंसी, ठीक है। एंड आर डी कहता है वहाँ जो अदर रेजिस्टेंस ड्यू टू अदर लॉसेज एक्चुअली, ठीक है। सो एंटेना के अदर रेजिस्टेंसेज भी होते हैं, उसको इंक्लूड करके ये टोटल रेजिस्टेंस एक्चुअली आपका बनता था। तो रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर नीटा। तो अगर आर रेडिएशन जो है आपका दैट इज़ लॉ है अगर, तो आपकी इफिशियंसी भी लॉ ही होगी दोस्तों, ठीक है। इस दैट्स वाई मैंने यहाँ लिखा है, स्मॉल लूप एंटीनाज हैविंग लॉ रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड लॉ रेडिएशन इफिशियंसी कंपेरेटिव टू स्मॉल लूप एंटीनाज, लार्ज लूप एंटीनाज हैविंग हाई रेडिएशन रेजिस्टेंस एंड हाई रेडिएशन इफिशियंसी कंपेरेटिवली। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि यहाँ पे जो स्मॉल लूप एंटीना के कंपेरिजन में लार्ज लूप एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस अधिक होगा तो उसकी इफिशियंसी भी अधिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मॉल लूप एंटीनाज आर यूज मेजरली एज डायरेक्शन फाइंडर। देखिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लूप एंटीना का एक्चुअली दैट वो है डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए, ठीक है। और जो स्मॉल लूप एंटीनाज हैं खासकर इनको यूज़ किया जाता है डायरेक्शन फाइंडिंग के लिए। सो देखिए डायरेक्शन फाइंडिंग का मतलब है, माना कि कोई रेडिएशन सोर्स है किसी दूरस्थ बिंदु पे है, किसी डिस्टेंट पॉइंट पे एक रेडिएशन सोर्स है, ठीक है। वहाँ से कोई रेडिएशन हमें मिल रहा है और हम जानना चाहते हैं कि वो रेडिएशन कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है, तो हम यूज़ करेंगे स्मॉल लूप एंटीना। और लूप एंटीना की मदद से फाइंड आउट करेंगे, चूंकि आपका जो लूप एंटीना है वो परपेंडिकुलर, जैसे इसका जो रेडिएशन पैटर्न है हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो प्लेन का जो परपेंडिकुलर लूप जो लूप का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये रेडिएट नहीं करता है, लूप के प्लेन की डायरेक्शन में ही रेडिएट करेगा। इसका मतलब है रिसीविंग टाइम में भी, रिसीव करते हुए सिग्नल को जब ये रिसीव करेगा उस समय भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इट विल नॉट रिसीव एनीथिंग एंड इट विल रिसीव ओनली फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। इसका मतलब है कि जब हमें लूप एंटीना का आउटपुट में नल मिले, कुछ भी नहीं मिले, दैट टाइम वी कैन से द रेडिएशन सोर्स इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ लूप। एम आई राइट और रॉन्ग? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए लूप एंटीना, माना कि यहाँ पे मैंने एक लूप एंटीना लिया है, जिस रेक्टेंगुलर लूप एंटीना, अगर ये आपका स्मॉल लूप एंटीना है तो इसका रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। देखो इसका टॉप भी अगर देखें, हम इसे ऊपर से देखें लूप एंटीना को, तो हमें टॉप भी कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। हमें ये पूरा लूप नहीं दिखाई देगा, सिंपल इस तरह डायपोल की तरह दिखाई देगा, और डायपोल इसका जो रेडिएशन पैटर्न होता है वो भी एक डायपोल की तरह होता है, और डायपोल जो एलिमेंट्री डबलेट की तरह एक्चुअली वो भी एक डायपोल ही है, स्मॉल डायपोल। सो जो रेडिएशन पैटर्न कैसा होता है, डोनट पैटर्न में या एट की शेप में, हम कह सकते हैं एट की शेप में होता है, इस तरीके से होता है। बट ये डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी इन द प्लेन ऑफ द लूप। सिमिलरली अगर लार्ज लूप एंटीना है, रेक्टेंगुलर एंटीना जो मैंने लिया है ये एक लार्ज लूप एंटीना है, उस केस में क्या होगा दोस्तों, जो इसका रेडिएशन पैटर्न है, ठीक है, इसका टॉप भी हम देखें तो इस तरीके से दिखाई देगा ये टॉप से, तो इसका रेडिएशन डायरेक्शन क्या होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, इट विल बी लाइक दिस एक्चुअली। सो ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। एंड देन
रेडिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन ऑफ लूप. ओके, सो स्मॉल लूप एंटेना के लिए मैंने यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं. तो टू यूज एज ए डायरेक्शन फाइंडर इट इज माउंटेड वर्टिकली ऑन ए रोटेटेबल वर्टिकल एक्सिस. इसको हम जो स्मॉल लूप एंटेना को एज ए डायरेक्शन फाइंडर की तरह यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकली माउंट करेंगे ऑन ए रोटेटेबल वर्टिकल एक्सिस, जिस पे हम इसको रोटेट कर सकें किसी वर्टिकल एक्सिस के अराउंड इसको हम रोटेट कर सकें. इस तरीके से इसे माउंट करेंगे. एंड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए डिस्टेंट रेडिएशन सोर्स वी नीड टू रोटेट इट अराउंड द वर्टिकल एक्सिस अंटिल वी फाइंड द नल. ठीक है, और जब हम इसको रोटेट करेंगे वर्टिकल एक्सिस के अराउंड तो जब इसका आउटपुट जब हमें नल मिलेगा दैट टाइम वी कैन से द रेडिएशन द सोर्स इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप. सो दिस इज द मेथड हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन. ठीक है, एंड हाउ टू यूज इट एज ए डायरेक्शन फाइंडर ऑफ ए रेडिएशन सोर्स एंड नल डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ प्लेन. ओके, ऑलरेडी एक्सप्लेन. सो दिस इज हाउ ए लूप एंटीना वर्क्स एक्चुअली. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो इसके बाद नेक्स्ट एंटेना हम लेते हैं. दिस इज़ योर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटीना ऑफ माइक्रोवेव्स. ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर UHF फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फॉर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज ऑल्सो. देखिए दोस्तों, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको हम पहले देखेंगे थोड़ा. जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है एक्चुअली दैट विल बी योर थ्री डी डायमेंशन में एक जैसे कह सकते हैं एक प्लेट की तरह होगा. ठीक है, एक पैराबोलॉइड शेप में. इसकी प्रॉपर्टी ये होती है दोस्तों कि आप जानते हो कि ऑलरेडी इसमें मैंने मेंशन किया है कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है. तो पैराबोला का जो एक कर्व होता है ये इट इज़ ए प्लेन कर्व. जो कैसे बनता है, अगर हम एक ऐसा कर्व लें जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड ए स्ट्रेट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन इन दोनों को जोड़ के दैट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट एक्चुअली. ठीक है, कहने का मतलब है द पैराबोला इज़ ए प्लेन कर्व डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड फोकस पॉइंट प्लस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉन्स्टेंट. सो पैराबोला एक ऐसा कर्व है या फिर कह सकते हैं एक इस तरह का लोकस है जो कि एक पॉइंट से एंड एक स्ट्रेट लाइन से दोनों का डिस्टेंस अगर मेजर करें और उसको जोड़ने के बाद उसकी वैल्यू को कांस्टेंट कर दें तो ऐसे जो जो पॉइंट्स हैं जिनकी एक पॉइंट से और एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकालने पे कांस्टेंट आती हो दैट अगर उन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें मिलेगा पैराबोला. और इसकी खास बात यह है कि जब अगर हम इस यहाँ पे देखिए मैंने अब दिखाया है दिस एफ पॉइंट इज व्हाट योर फोकस पॉइंट. दिस एफ पॉइंट इज फोकस पॉइंट. अगर एफ पॉइंट पे या फोकस पॉइंट पे हम एक सोर्स रखते हैं, एक रेडिएशन सोर्स रखते हैं, तो जो रेडिएशन है वो और उसका डायरेक्शन, जो रेडिएशन का डायरेक्शन रखें पैराबोला की डायरेक्शन में, तो वो जो भी वेव्स इससे निकलेंगी और पैराबोला की सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाएंगी तो वो पहली बात तो ये है कि वो सारी की सारी एक पैरेलल में होंगी. ठीक है, वो सारी की सारी लाइंस पैरेलल होंगी. एंड दूसरी खास बात ये होगी कि जब तक वो इस लाइन तक पहुँचेंगी सभी वेव्स सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, सबकी दूरी समान होगी. कहने का मतलब है एफ से निकली हुई कोई भी वेव जो कि पैराबोला से टकरा करके इस लाइन तक पहुंची है, जो दूरी जो कवर करेगी सभी वेव्स बराबर दूरी तय करेंगी. कहने का मतलब है कि जो नीचे मैंने यहाँ मेंशन किया है FP plus PP dash बराबर FQ plus QQ dash बराबर FR plus RR dash equal to K is the constant. Means ये सारी वैल्यूज सेम रहेंगी. सेम रहने से क्या होगा कि इस डायरेक्ट्रिक्स पे आते आते इस डायरेक्ट्रिक्स ये जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, इस पर सारी वेव्स जब तक पहुँचेंगी सब सेम डिस्टेंस तय कर चुकी होंगी तो दे विल बी इन फेज. एक्चुअली सभी
वेव्स एक सेम फेज में होंगी, इसका मतलब है सारी की सारी रीइन्फोर्स हो जाएंगी, वो सब वेक्टर सम हो जाएगा उनका, एंड एक तरीके से कह सकते हैं हमें जो आगे हमें जो फोकस बीम मिलने वाली है एक, ठीक है, दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दैट इस डायरेक्शन में जो हमें बीम मिलेगी दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एंड कंसंट्रेटेड बीम. सो देखिए इफ़ ए सोर्स इज, इसके बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. इफ़ ए सोर्स इज प्लेस्ड एट द फोकस, ऑल वेव्स कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड रिफ्लेक्टेड बाई द पैराबोला विल हैव ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस बाई द टाइम देर इज द डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑल सच वेव्स विल बी इन फेज. ओके, एज ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, सारी की सारी इन फेज होंगी और सब की सब सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होंगी जब तक वो डायरेक्ट्रिक्स तक पहुँचेंगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है रेडिएशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंसेंट्रेटेड अलोंग द ए बी एक्सिस. इसका मतलब है जो रेडिएशन होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, ए बी एक्सिस में, ठीक है, इस एक्सिस के अकॉर्ड इस डायरेक्शन में जो है कि आपका रेडिएशन आपको मिलेगा. ओके, एंड देन नेक्स्ट है जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होता है इसका जो बीम विड्थ होता है दैट इज 70 लैम्डा अपॉन डी. दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर एक्चुअली, ठीक है, दिस फॉर्मूला वी नीड टू रिमेंबर. यहाँ पे लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड डी इज द माउथ डायमीटर. माउथ डायमीटर इज व्हाट, पैराबोला का जो माउथ होता है एक्चुअली, दिस इज योर माउथ. इसका जो डायरेक्ट दिस टोटल डायमीटर होगा दैट इज डी एक्चुअली, ठीक है. सो हाफ पावर बीम विड्थ इज 70 लैम्डा अपॉन डी. तो आप फर्स्ट नल बीम विड्थ भी निकाल सकते हैं. मैंने आपको बीम विड्थ में समझाया था कि फर्स्ट नल बीम विड्थ इक्वल टू 2 इंटू हाफ पावर बीम विड्थ. सो फर्स्ट नल बीम विड्थ भी निकाल सकते हैं 140 लैम्डा अपॉन डी. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसमें फीड मैकेनिज्म होता है वो अलग अलग हो सकता है एक्चुअली, ठीक है, बट इसके कुछ नुकसान हैं तो कुछ फ़ायदे हैं. तो देखिए किस तरीके से फीड मैकेनिज्म, मैंने यहाँ पे फीड पॉइंट लिया है. फीड पॉइंट, पहली बात तो हम जो फीड मैकेनिज्म लगाएंगे, जो जहाँ से हम फीड करेंगे, जहाँ से पावर रेडिएट करेंगे रिफ्लेक्टर पे, वो फोकस से होगा, ठीक है. सो जो भी रेडिएटर, प्राइमरी रेडिएटर हम यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से रेडिएट करेंगे और रिफ्लेक्टर पे जाएगी वेव, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी और जो है कि बीम बनेगी. तो देखिए यहाँ पे हमने एक एंटीना यूज़ किया है, डाइपोल एंटीना. तो डाइपोल एंटीना रेडिएट करेगा, सो और जो भी इससे रेडिएशन होगा कुछ डायरेक्शन में होगा, डायरेक्टली होगा, एंड सम विल कुछ एक स्फेरिकल रिफ्लेक्टर यहाँ यूज किया है, ठीक है, इससे टकरा के वापस जाएंगी वेव्स. इस तरीके से जो है कि जो भी वेव्स जो हैं कि सारी की सारी आपकी रिफ्लेक्टर सरफेस से जाकर के वापस रिफ्लेक्ट होंगी. सो दिस इज़ ए काइंड ऑफ फीड मैकेनिज्म जहाँ पे हमने एक डायपोल यूज किया है एंड ए स्फेरिकल रिफ्लेक्टर यूज किया है, ठीक है. और फोकस पॉइंट पे जो डायपोल लिया है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंटीना, ठीक है. इसमें पॉइंट देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं. इंस्टेड ऑफ डायपोल एंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टर, जो ये डायपोल यूज़ किया है एंड स्फेरिकल रिफ्लेक्टर यूज किया है, ये इस तरह का एक फीड मैकेनिज्म है. इसकी जगह हम दूसरे अन्य प्रकार के एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई यागी उड़ा एंटेना या फिर कोई एंड फायर एरे जिसका जो रेडिएशन बीम हो वो रिफ्लेक्टर की डायरेक्शन में हो, या फिर यूज कर सकते हैं हॉर्न एंटीना. ए हॉर्न एंटेना पॉइंटिंग एट द मेन रिफ्लेक्टर कैन ऑल्सो बी यूज प्राइमरी. हॉर्न एंटेना भी यूज कर सकते हैं फोकस पॉइंट पे, जिसका माउथ का डायरेक्शन, जिसका रेडिएशन का डायरेक्शन जो है कि रिफ्लेक्टर की डायरेक्शन में होगा. तो इस तरीके से कई फीड मैकेनिज्म हम यूज कर सकते हैं. या द फीड एंटीना एंड इट्स रिफ्लेक्टर ऑब्स्ट्रक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ पे जो फीड एंटीना हमारा होगा प्लस साथ में उसका जो रिफ्लेक्टर है, या फिर कोई भी, चाहे हम हॉर्न एंटीना लगाएंगे, चाहे हम यागी उड़ा एंटीना लगाएंगे, चाहे या कोई एंड फायर एंटीना, कोई अदर एंड फायर एंटीना लगाएंगे, उन सब के कारण कुछ ना कुछ पावर तो ऑब्स्ट्रक्ट होगी. वो जस्ट उस पे आने वाले या उसके जस्ट पीछे की साइड जो है कि रेडिएशन होना संभव नहीं है, ठीक है. तो ये समस्या जो है कि हमेशा रहती है.
इसमें देखिए इफेक्टिव अपर्चर एरिया जो होता है एक्चुअली दैट इज़ ए ई इक्वल टू एरिया इंटू नीटा, वेयर नीटा इज़ इल्यूमिनेशन इफिशियंसी ऑफ एंटीना, जिसकी वैल्यू 60 से 70% रखते हैं, होती है एक्चुअली पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स के लिए इसकी वैल्यू 60 से 70% होती है। सो नीटा की वैल्यू हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के लिए 65% लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम जो है कि इफेक्टिव अपर्चर एरिया निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ऑलरेडी इफेक्टिव अपर्चर एरिया का फॉर्मूला होता है लैम्डा स्क्वायर अपन 4 पाई। सो लैम्डा स्क्वायर अपन 4 पाई इंटू जी, तो जी इज़ द गेन हियर, डायरेक्टिव गेन, एंड ए इज़ द इफेक्टिव अपर्चर एरिया। सो ए को हम लिख सकते हैं नीटा इंटू ए, ए इज़ द योर एरिया एक्चुअली, एंड नीटा इज़ द इल्यूमिनेशन इफिशियंसी। तो एरिया को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एक्चुअली, या फिर पाई आर स्क्वायर को आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी अपॉन टू। सो पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर, करेक्ट। सो पाई आर स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, पाई इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने गेन निकाल लिया यहाँ पे, नीटा इंटू पाई स्क्वायर इंटू डी बाई लेमडा का होल स्क्वायर। दिस फॉर्मूला इज़ इम्पोर्टेंट एक्चुअली। नीटा की वैल्यू मे वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंटीना एक्चुअली, टाइप ऑफ पैराबोलिक एंटीना। सो नीटा की वैल्यू अगर हम लेते हैं 65% फॉर ए पैराबोलिक फीड बाय डाइपोल, ठीक है, डाइपोल से अगर फीड कर रहे हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को, तो उसके लिए जो नीटा की वैल्यू होती है 65%। तो जनरली अगर क्वेश्चन में दे रखी है नीटा की वैल्यू तो हम अलग भी लेंगे, और नहीं दे रखी है तो 65% ही लेंगे। तो नीटा की वैल्यू 0.65 पुट करेंगे यहाँ पे, इंटू पाई स्क्वायर इंटू डी वाई लेमडा का होल स्क्वायर। इस तरीके से जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर के लिए जो गेन का फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज़ 6 इंटू डी वाई लेमडा का होल स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों, ठीक है। आपको माउथ डी इज़ द, यहाँ पे है डी इज़ द माउथ डायमीटर एंड लेमडा इज़ द वेवलेंथ। अगर आपको डायमीटर दे दे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का एंड वेवलेंथ दे दे या फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। और आपसे पूछे व्हाट विल बी द गेन ऑफ द पैराबोलिक एंटीना, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस वी नीड टू रिमेंबर। ऑल्सो हाफ पावर बीमविड्थ का फॉर्मूला भी हमें यूज रिमेंबर करना है। हाफ पावर बीमविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, 70 लैम्डा अपॉन डी। ओके, सो दिस वी नीड टू रिमेंबर। एंड देन देखिए दोस्तों, फीड मैकेनिज्म जो है कि देर इज वन मोर टाइप ऑफ फीड मैकेनिज्म एक्चुअली, वेयर वी यूज वन मोर रिफ्लेक्टर, दैट इज़ सेकेंडरी रिफ्लेक्टर। अगर हम पैराबोलिक रिफ्लेक्टर को प्राइमरी रिफ्लेक्टर बोलें, तो हम यहाँ पे एक दूसरा रिफ्लेक्टर भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, जिस पे हम जो है कि वेवगाइड से जो, या हॉर्न एंटीना से, या प्राइमरी फीड जो आपका जो भी रेडिएटर होगा प्राइमरी, उससे रेडिएट करेंगे, और हमारा जो सेकेंडरी रिफ्लेक्टर है उससे रिफ्लेक्ट होकर के पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे जाएगा, और वहाँ से जो है कि एक बीम बनेगी। सो देखिए यहाँ पे मैंने दिस इज़ योर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, दिस इज प्राइमरी रिफ्लेक्टर, ओके, एंड फोकस पॉइंट, दिस इज़ योर फोकस पॉइंट, एंड यहाँ पे एक मैंने यूज किया हाइपरबोलॉइड रिफ्लेक्टर, दिस इज़ हाइपरबोलॉइड सेकेंडरी रिफ्लेक्टर, ओके। और देखिए दोस्तों, फीड पॉइंट जो लगाया है मैंने, वो कुछ यहाँ पे लगाया है, एक हॉर्न एंटीना जो कि वेवगाइड के थ्रू मैंने फीड किया है, ओके। सो वन मिनट, सो यहाँ पे एक हॉर्न एंटीना यूज किया है फीड एंटीना की तरह, ठीक है। और फीड जो हॉर्न एंटीना, उसको फीड किससे करूँगा, मैं वेवगाइड से करूँगा, ठीक है। सो वेवगाइड वी आर यूजिंग फॉर फीडिंग द हॉर्न एंटीना, हॉर्न एंटीना इज यूर प्राइमरी फीड एंटीना, ठीक है। देन जो भी इससे रेडिएशन होगा हॉर्न एंटीना से, वो कहाँ जाके इंसिडेंट होगा, हाइपरबोलॉइड सेकेंडरी रिफ्लेक्टर पे, जो सेकेंडरी रिफ्लेक्टर है यहाँ पे जाके आपका ये यहाँ पे जाके टकराएगा, और इससे वापस रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर के हमारा जो प्राइमरी रिफ्लेक्टर है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, इस पे जो है कि आएगा, और उससे रिफ्लेक्ट होकर जो स्ट्रेट बीम बनेगी, कंसंट्रेटेड एंड स्ट्रॉन्ग बीम। तो इस तरीके से
भी फीड किया जा सकता है। इसमें देखिए फ़ायदा क्या हुआ, एक्चुअली पहले क्या कर रहे थे हम, अगर हम हाइपरबोलॉइड की जगह जैसे फोकस फोकल पॉइंट पे अगर हॉर्न एंटीना यूज़ करते तो क्या हो रहा था कि हम जो हमारी वेवगाइड थी, हमारी वेवगाइड को हम ला करके इधर से लाए करके इस तरीके से फोकस पॉइंट तक लाते और उसके बाद एक हॉर्न एंटीना यूज़ कर रहे थे, ठीक है। सो उसमें क्या है, आपकी जो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये वेवगाइड है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की वेवगाइड है, ये एक्स्ट्रा यूज़ हो रही थी एक्चुअली। कैसीग्रेन फीड मैकेनिज्म यूज करने से हमें हमारी जो वेवगाइड की लेंथ कम हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक कम यूज़ करनी पड़ रही है एक तो, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छा बात है। इससे क्या फ़ायदा होगा एक्चुअली, देखिए एक्चुअली हमारे पास जब हम रडार्स की बात करें या लो नॉइज़ रिसीवर्स की बात करें, जहाँ पे हम हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल है ऑलरेडी बहुत ही वीक है, ठीक है, और हम नहीं चाहते हैं कि उसको हम रिसीविंग के टाइम पे ज़्यादा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन से गुजारें या ज़्यादा लॉन्ग वेवगाइड से गुजारें, क्योंकि जब वेवगाइड में से होकर ट्रेवल करेगा सिग्नल या ट्रांसमिशन लाइन से ट्रेवल करेगा, दैट टाइम ऑल्सो देर विल बी लॉसेज। हम चाहते हैं कि मिनिमम लॉसेज हों बिकॉज सिग्नल ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है। इसलिए लो नॉइज लो नॉइज रिसीवर्स जो होते हैं एक्चुअली, उनमें ये बहुत ही डिज़ायरेबल होता है कि जब सिग्नल को रिसीव करें तो सिस्टम अपने ही सिस्टम द्वारा जो लॉसेज हो रहे हैं उनको मिनिमाइज कर दिया जाए। तो लो नॉइज रिसीवर्स में ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। और इसमें ये है कि हम फीड पॉइंट को अपने हिसाब से कन्वीनियंट प्लेस पे लगा सकते हैं, एक चीज़ ये हुई, ठीक है। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हाइपरबोलॉइड सेकेंडरी रिफ्लेक्टर और प्राइमरी रिफ्लेक्टर जो है आपका पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, दोनों का फोकस पॉइंट एक ही होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट हियर, ये हमें याद रखना होगा कि जो फोकस पॉइंट है, तो दोनों ये जो फोकस पॉइंट है यहाँ पे, ये दोनों रिफ्लेक्टर्स के लिए सेम होना चाहिए, दोनों रिफ्लेक्टर्स का जो फोकस पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, ठीक है। एंड फाइनली दिस पॉइंट इज़ बाई यूजिंग कैसीग्रेन फीड द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड कनेक्टिंग द रिसीवर और ट्रांसमीटर कैन बी रिड्यूस्ड विच इज़ डिजायरेबल इन द लो नॉइज़ एम्पलीफायर एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। सो आई होप आपको कैसीग्रेन फीड एंटेना समझ में आया होगा, और जो इससे पहले मैंने लूप एंटेना एंड पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पढ़ाया उसके बारे में समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच।